Chair Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSB, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSB, do subscribe to our YouTube channel SSP Success. So, today we are going to cover India Afghanistan relations in detail. So, let's get started. सो so, पहले आप ये मैप देख लीजिए अफगानिस्तान का विद रिस्पेक्ट टू इंडिया जब हमारी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी मींस इंडिया और पाकिस्तान जो है दो पार्ट नहीं थे तब हमारा अफग़ानिस्तान के साथ बॉर्डर था बट अब नहीं है ओके okay? सो so, पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो कॉन्टैक्ट है ना पीपल ऑफ़ मॉडर्न डे इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में वो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से एग्जिस्ट करते हैं वन ऑफ़ द एलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रीक ऑफ जो सक्सेसर थे जो सेलुकियस uh, निकटेटर जिन्होंने कंट्रोल किया है मोस्ट ऑफ़ द अफगानिस्तान को बिफोर सीडिंग मच ऑफ इट टू the मॉडर्न एम्पायर इन 305 BC as a part of an अ पार्ट ऑफ एन अलायंस ट्रिटी वो भी अफगानिस्तान से थे नंबर ऑफ़ इन्वेडर्स ने इन्वेड किया नॉर्दन रीजन ऑफ इंडिया को कब से कब तक टेंथ सेंचुरी टू द मिड एटीन सेंचुरी बाई नंबर ऑफ़ इन्वेडर्स कौन कौन से गजनवीज़ खुर्दीज़ खर्जीज सूरीस मुगल्स दुरानी और उसी के जो अभी जो इन्वेडर्स जिन्होंने इन्वेड किया था उन्हीं को मिला के अगर हम कहें उन्हीं के रूल को या फिर उसी टाइम के लोगों को मिला के जो है आज का अफगानिस्तान बना है ड्यूरिंग दिस एरा पर्टिकुलरली मुगल पीरियड के टाइम से 1526 से लेके 1858 तक काफ़ी सारे अफगान्स ने इंडिया में एंटर करने की जो है वो न, आ, कोशिश की क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी उनके एरिया में ओके okay. सो so, इंडिया जो है वो सिर्फ एक साउथ एशियन कंट्री थी जिसने सोवियत बैक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को 1980 में रिकोगनाइज किया और रिलेशंस जो है वो डिमिनिश हो गए 1990 में जब वहाँ पे तालिबान का रोल आया इंडिया ने जो है इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने लार्जेस्ट रीजनल प्रोवाइडर जो है इंडिया जो है वो साबित रहा हुआ है हमेशा से उसने अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन और रिकन्स्ट्रक्शन एड के मामले में भी इंडिया जो है वो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम कर रहा है एज़ अ पार्ट ऑफ़ इंडियाज़ रीबिल्डिंग एफ़र्ट्स इन अफ़गानिस्तान ओके okay, अब जो है इंडिया अफगानिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशंस की बात कर लेते हैं देखो ऑपरेशन जो इंड्योरिंग फ्रीडम था यूएस लेड इन्वेजन हुआ अफ़गानिस्तान में 2001 में इंडिया ने जो है इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की एलाइड फोर्सेस को उसके बाद जब तालिबान का फॉल हुआ तो इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टबलिश किया न्यूली इस्टेबलिश सिविलियन गवर्नमेंट के साथ और पार्टिसिपेट किया रिलीफ एंड रिकन्स्ट्रक्शन एफर्ट्स में दो के बाद से इंडिया ने जो है वो डेवलपमेंट पार्टनरशिप की अफगानिस्तान की अफगान अफगानिस्तान के साथ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी गेन की जो इंडिया है वो आज फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोवाइडर है डेवलपमेंट असिस्टेंस के मामले में अफ़गानिस्तान को इंडिया ने जो है वो 650 से 750 मिलियन डॉलर वर्थ की ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक एड दी है अफगानिस्तान को और वो लार्जेस्ट रीजनल प्रोवाइडर है एड का अफ़गानिस्तान को इंडिया की सपोर्ट और कोलेबोरेशन जो है वो हमेशा से एक्सटेंड रही है अफगानिस्तान के लिए रीबिल्ड करने के लिए एयर लिंक्स पावर प्लांट्स इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर एज वेल एज हेल्पिंग टू ट्रेन अफ़गान सिविल सर्वेंट्स डिप्लोमेट्स एंड पुलिस इंडियन डायस्पोरा की बात कर लेते हैं जो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं नियरली 1710 इंडियंस जो है वो अफगानिस्तान में प्रेजेंट है और ये डेटा कब का है अगस्त 2020 का मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो है वो एंगेज है प्रोफेशनल्स में प्रोफेशनल वर्क में जैसे बैंक्स में आईटी टी फॉर्म में कंस्ट्रक्शन कंपनी में हॉस्पिटल्स में एनजीओ में टेलीकॉम कंपनीज़ में सिक्योरिटी कंपनीज यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड यू मिशन इकोनॉमिक रिलेशन की बात कर लेते हैं जो इंडिया के अफगानिस्तान के साथ हैं सी इंडिया जो है वो एक्सपांड करता है अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंस अफगानिस्तान में और जो है मतलब इंडिया जो है वो तालिबान के मतलब जो तालिबान के साथ जो तालिबान है उसके अगेंस्ट फाइट करता आ रहा था ओके okay, बट अब क्या हुआ है अब तो यू एस विड्रॉ करके जा रहा है अफ़गानिस्तान के साथ और हमारे जो है वो तालिबान के साथ लिंक थे नहीं तो अब तो इंडिया कोर्स तालिबान के साथ अपने लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा ओके okay, जो इंडिया है वो अपनी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहता था इकोनॉमिक कोलेब्रेशन करना चाहता था सी अफ़गानिस्तान के थ्रू हम जो है वो सेंट्रल और साउथ एशिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया ने ऑलरेडी 10.8 बिलियन डॉलर को इन्वेस्ट किया है अफग़ानिस्तान में और ये डेटा कब का है दो का काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया ने इस्टेब्लिश किए हैं अफ़ग़ानिस्तान में उसके बाद अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनमें से एक है सिक्स एम स्टील प्लांट उसके बाद एट मेगावाट पावर प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन लाइन्स रोज इंडिया ने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सलमा डैम में भी हेल्प किया है ओके जो कहाँ पर हैरथ प्रोविंस में उसके अलावा फोटी टू मेगावाट पावर भी प्रोड्यूस करने में हेल्प की है और इंडो अफ़गान फ्रेंडशिप डैम जो है वो प्रोवाइड करता है इरिगेशन फॉर सेवेंटी फाइव थाउजेंड हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड इन द चिस्टी शरीफ डिस्ट्रिक्ट जो सलमा डैम है उसको ऑफिशियली अफगान या फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरीगेशन डैम प्रोजेक्ट है जो लोकेटेड है हरी रिवर इन चिस्टी शरीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस इन वेस्टर्न अफगानिस्तान जो अफ़गान के कैबिनेट हैं उन्होंने सलमा डाम को अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डाम का नाम दिया है ओके सो दैट ये एक मूव था सो so दैट जो दोनों कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन है वो और स्ट्रेंथन हो सके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है फोर्टी टू मेगावाट ऑफ पावर इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग इरीगेशन फॉर सेवेंटी फाइव थाउजेंड हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड ओके इंडिया और ईरान जो है वो सेट कर रहे हैं एक ट्रांजिट एग्रीमेंट ऑन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू लैंड लॉक अफगानिस्तान जो इंडिया इंडियन गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट कर रही है मोर देन हंड्रेड यू डॉलर मिलियन इन एक्सपांशन ऑफ द चाबार पोर्ट इन साउथ ईस्टर्न ईरान जो कि एक हब की तरह सर्व करेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांज़िट गुड और यह जो पोर्ट है वो यूज़ किया जाएगा इंडिया के द्वारा टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर मिनरल प्रोडक्ट्स देयर बाई इट कैन भी सेट एज अ ट्रांजिट पॉइंट फॉर अफगानिस्तान एंड टू

अब प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं देखो अब जो है तालिबान का रूल आने वाला है और जैसे ही अभी यू एस ए पूरी तरीके से वहाँ अफगानिस्तान से चला जाएगा तो इंडिया जो है वो तीन क्रिटिकल एरियाज में अभी डील करने वाला है इंडिया ने देखो काफ़ी ज़्यादा 2001 के बाद से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में तो इंडिया ऑफ़ ऑफकोर्स अपने इन्वेस्टमेंट को बचाना चाहेगा क्योंकि इंडिया के बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट हुए हैं अफगानिस्तान में इंडिया नहीं चाहेगा कि जो पूरी तरीके से तालिबान का रजयम आए या फिर अगर तालिबान का रजयम आए तो तालिबान जो है पाकिस्तान के इशारों पर नाचे क्योंकि कहीं कही ना कहीं पाकिस्तान ही तो जो था वो टे, जो हथियार वगैरह था और मनी जो देता था तालिबान को जिसकी वजह से वो टेररिस्ट अटैक वगैरह कंडक्ट करते थे तो इंडिया ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के इशारों पर तालिबान ना तीसरा इंडिया ये मेक श्योर करेगा कि जो पाकिस्तान बैक एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो तालिबान से सपोर्ट ना ले ओके okay, इंडिया की क्या अप्रोच रहने वाली है इस सब चीज़ों में जो एरा ऑफ प्रोलॉन्ग पीस है अफगानिस्तान में ओके okay, वो अब ख़त्म होने को आया है बिकॉज यू जो है वो छोड़ के जा रहे हैं अफ़गानिस्तान इसका मतलब जो है काफ़ी सारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है अफगानिस्तान में और तालिबान जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज जो है इम्पोज करने वाला है तो इंडिया जो है वो ये चाहेगा कि जैसे अफगान में अभी तालिबान का रूल आने वाला है वहाँ के मतलब जो लोग हैं उनकी लाइफ ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो ओके okay, तो वन ऑफ द इंडियाज़ लैक ऑफ़ डायरेक्ट फिज़िकल एक्सेस जो है मतलब देखो हमारा डायरेक्ट एक्सेस तो है ही नहीं अफ़गानिस्तान के साथ तो ये सबसे बड़ा मतलब एक वो है एक कह सकते हैं कि हमारे पास मतलब वो है मतलब जैसे पाकिस्तान तो बाउंड्री टच होती है पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है और हमारा नहीं होता एक डिसएडवांटेज है इंडिया के लिए ये ओके okay, तो इंडिया को फोकस करना चाहिए इंटेंसिफाई करने में अपने जो रिलेशन है विद वेरियस अफग़ान ग्रुप अब तो इंडिया को तालिबान के साथ भी जो है अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है सो so दैट वो जो अफ़ग़ानिस्तान के जो है अफगानिस्तान से जुड़ा रहे तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इन सब चीज़ों का सी जो एस सी ओ है शंघाई कॉपोशन ऑर्गेनाइजेशन ओके ये जो है ये डील कर सकता है या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए जोग्राफ़ी मेम्बरशिप और कैपेबिलिटी जो है वो एस सी ओ को एक इम्पॉर्टेंट फॉरम बनाती है पोस्ट अमेरिकन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए अफ़गानिस्तान में अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट तरीके से सॉवरन तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से जो है अपने आप में रूल करें Means वो किसी के इशारों पर नहीं जैसे कि पूरा पाकिस्तान की तरफ इशारा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसके बाद पूरा मतलब जो अफगानिस्तान है उसमें पाकिस्तान की चलने लग सके ओके सो इन ऑर्डर टू इंश्योर द पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान तो जो इंडिया अफगान पॉलिसी है वो पूरी तरीके से अफगान लेड होनी चाहिए अफगान ओन होनी चाहिए और अफगान कंट्रोल होनी चाहिए सो गाइज दैट वॉज ऑल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एस एस पी सक्सेस थैंक यू गाइज take it